हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक आई एस। साथियों, स्वागत है मेक आई एस के यूट्यूब चैनल पर। यूपीपीसीएस प्री का एग्ज़ाम हो चुका है और मेंस के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होता है कि हम टॉपर्स की कॉपियों को लगातार देखते रहें, और इसी के लिए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आज दिव्या सिकरवार की कॉपी के साथ, जिनकी यूपीपीसीएस 2022 में रैंक वन आई है। और यह इनकी ऐसे की कॉपी है, इन्होंने जो ऐसे और पेपर फोर का पेपर है वो हिंदी में लिखा था, बाकी पेपर 1, 2, 3 जीएस के जो है वो इंग्लिश में लिखा था। इसलिए इस तरह की कमेंट ना करें कि इनका हिंदी मीडियम था या इंग्लिश मीडियम था, ठीक है, ये एकदम क्लियर रखें अपने पास, ठीक है। मेक आईएएस के पास इन्होंने 65 डेज की जो हमारी डेली आंसर राइटिंग चलती है वो ज्वाइन किया हुआ था, जो कि 2023 के लिए 20 तारीख से शुरू होने वाली है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले एक ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि कोरोना से भारत ने क्या सीखा, और इसमें इन्होंने ऐसे को काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। जैसे कि अगर आप शुरुआत देखेंगे तो शुरुआत इन्होंने एक कविता के साथ की हुई है, ठीक है, जो कि रामधारी सिंह दिनकर की काफ़ी प्रसिद्ध कविता है और बहुत सारे लोग ये लिखते हैं, ठीक है। तो इससे शुरुआत की, जो कि बताता है कि मतलब ये बेहतर तरीके से लिखा हुआ है। फिर उन्होंने ये लिखा कि किस तरीके से जो विश्व है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक छोटे से वायरस ने पूरे विश्व को जो है धरती पर ला दिया है, और एक विचार करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे बताया है कि क्या हम लोग अभी जो है वो क्या मतलब अंतरिक्ष में जाने के लिए सक्षम है, ठीक है, क्या हम लोग जो है विकास करने के लिए सक्षम है, जबकि एक छोटे से वायरस ने पूरी धरती को हिला दिया जहाँ पर लाखों लोगों की जान गई। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे बताया है। फिर इसके बाद जो है इन्होंने बताया कि किस तरीके से पहली, दूसरी, तीसरी लहर जो है आई है, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने जो जिस तरह की समस्याएं देखी गई हैं उसका वर्णन किया है, ठीक है। तो इसके बाद जब समस्याएं देखी गई है तो जो जो समस्याएं हुई हैं उनको इन्होंने लिखा हुआ है। इसके बाद जब हम और आगे बढ़ेंगे तो फिर इसके बाद इन्होंने बताया कि जो जनता की बुनियादी आवश्यकताएं थी, ये सारी ये उसी में मतलब समस्याओं में लिखा हुआ है। सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि पैरा काफ़ी छोटे छोटे हैं और आपको छोटे छोटे पैरा ही निबंध में लिखने चाहिए। तो कोशिश करें कि पैराग्राफ जो हो वो आपका 5 लाइन का हो, ठीक है, 6 लाइन का हो, 5 से 6 लाइन का पैरा होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि बहुत बड़ा पैरा लिख देते हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़ा पैरा नहीं होना चाहिए, ये आपको ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने प्रॉपर लिखा कि भाई इंडिया ने क्या सीखा, भारत ने क्या सीखा, ठीक है। तो भारत ने कई सारे क्षेत्रों में सीखा है, जैसे कि हेल्थ का सेक्टर हो गया उसमें सीखा है, सामाजिक क्षेत्र में सीखा कि भाई परिवार ही बड़ा होता है, ठीक है, परिवार के अलावा कोई भी इस तरह की बीमारियों में काम में नहीं आता है, ठीक है। फिर भारत ने पॉल्यूशन के क्षेत्र में सीखा, फिर भारत ने, तो चलिए अब हम देखते हैं इसमें इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले लिखा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सीखा है, ठीक है। फिर इसमें देखा इन्होंने कि जो है जीडीपी का इतना परसेंटेज है, इसे 6% पे लाना होगा। तो ये एक सीख थी भारत सरकार के लिए कि हमें जो हेल्थ के ऊपर जो हमारा व्यय है उसको बढ़ाना होगा, ठीक है, और वो कोविड की वजह से सीखने को मिला है। इसके बाद और जब आगे बढ़ेंगे तो जैसे कि इन्होंने लिखा कि दवाओं का नियमन बहुत आवश्यक हो गया। आपने देखा होगा कि जो है डोलो 650 10-10 रुपये में, 15-15 रुपये में बिक हुई है, ठीक है, और नेबुलाइजर और काफ़ी सारी दवाएं ऐसी थी जो बहुत महंगी बिकी हुई हैं, ठीक है, कोविड के दौरान में, तो उसका नियमन बहुत ज़रूरी हो गया, ठीक है। ये और साथ में जो है ये इन्होंने ये भी लिखा कि फिर बजट को जो है भारत सरकार ने बढ़ा दिया है। इसके बाद इन्होंने लिखा कि उद्योग क्षेत्र में क्या सीखने को मिला है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इन्होंने यहाँ पे बताया कि भारत सरकार के द्वारा कई सारी स्कीम चलाई जा रही हैं, वो एक प्रॉपर तरीके से इन्होंने यहाँ पे बताया है। और फिर इसके बाद जो है इन्होंने बताया कि भाई और क्या सीखने को मिला है ना। तो ये है कि भाई इस समय इस समस्या से भारत ने सीखा है कि लोगों को रोजगार की व्यवस्था जो है उनके ज़िले में की जानी चाहिए, उनके गांव में की जानी चाहिए। भारत सरकार ने फिर स्कीम भी चलाई है इसके लिए, वो स्कीम का भी उल्लेख किया है। कीवर्ड्स को आप देखेंगे प्रॉपर इन्होंने अंडरलाइन किए हुए हैं, ठीक है। तो कीवर्ड्स को प्रॉपर अंडरलाइन करना है, ठीक है। आप यहाँ पे अगर ऊपर देखेंगे तो इन्होंने जो डेटा है, जो स्कीम है, उसका प्रॉपर यूज़ किया गया है, ठीक है। तो आपका डेटा हो गया, जो आंकड़े हो गए, जो स्कीम हो गए हैं, उनका प्रॉपर हमें यूज़ करना है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें भी आप बता सकते हैं, कुछ एग्जांपल भी यहाँ पे लिखे जा सकते हैं, ठीक है।
वो भी चीज़ है जो उन्होंने यहाँ पे की है। इसके बाद कोविड 19 ने भारत में यह भी देखा कि लॉकडाउन के समय जो पर्यावरण पॉल्यूशन है, जो कि मैंने आपको आगे बताया है कि पॉल्यूशन के क्षेत्र में भी फिर हम लोगों ने काफ़ी काम किया। उत्तराखंड में ब्रह्मकमल का जो है खिल गया था, ये एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, एग्जाम्पल इसमें कवर होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने ये लिखा हुआ है। फिर इन्होंने भारत के अमृतकाल के बारे में लिख दिया, आज़ादी का अमृत महोत्सव के बारे में लिख दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कीवर्ड्स का प्रॉपर यूज़ किया गया है हर पैरा में, ठीक है। सिंपल निबंध नहीं लिखा गया है, प्रॉपर तरीके से कीवर्ड्स का यूज़ किया गया है और इस तरीके से आपको नंबर बेहतर मिलेंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बरतने की गलती नहीं है, ठीक है। जैसे कमियों के ऊपर प्रॉपर इन्होंने बिंदी लगाई हुई है, कई लोग नहीं लगाते हैं, तो ये बरतने की गलतियां होती हैं और इसके ऊपर चांसेस होते हैं कि वहां पे आपको कम नंबर मिलेंगे, ठीक है। हिंदी की कॉपी है, हिंदी की कॉपी में कम नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इन्होंने ये पहला निबंध कवर किया था। अब हम बात करते हैं दूसरे निबंध की, जलवायु परिवर्तन संस्कृति का संकट है, ठीक है। तो इसको इन्होंने एक कविता के एक कहानी के माध्यम से, जो कि एक कल्पनात्मक कहानी है, ठीक है, उसके माध्यम से बताया है कि हम किस तरीके से जो है जलवायु संकट, जलवायु परिवर्तन के कारण जो है जो जीव जंतु हैं वो नष्ट हो रहे हैं, उनका विनाश हो रहा है और वो खत्म हो रहे हैं, जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। तो ये एक कल्पनात्मक कहानी के माध्यम से इन्होंने बताया है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो ये इन्होंने बता दिया कि क्या क्या जो है समस्याओं के कारण ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। जलवायु परिवर्तन के कारण जो है क्या क्या हो रहा है, तो इस तरीके से इन्होंने प्रॉपर तरीके से आप देख रहे हैं जो कीवर्ड्स हैं वो अंडरलाइन किए हुए हैं, जैसे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है ना, असामयिक जो बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है वो हो गई है, जो भयंकर गर्मी हो रही है, हीट वेव्स हो गया, हीट डोमेन हो गया, तो इनका भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे भीषण गर्मी लिखा है, आप यहाँ पे हीट वेव का भी मेंशन कर सकते हैं, हीट डोम का भी मेंशन कर सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे आपको एक नंबर बढ़ाने के लिए काम में आती हैं, ये कीवर्ड्स, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने बताया कि किस तरीके से यह संस्कृति का संकट है ना, और इन्होंने फिर उदाहरण दिया है सिंधु घाटी सभ्यता का, कि भाई वो किस तरीके से जलवायु परिवर्तन के एक कारण उसके लिए माना जा सकता है। जुरासिक युग में डायनासोर का अंत जो है जलवायु परिवर्तन का एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल आपके निबंध को एक्चुअली रियल बनाते हैं, है ना, आपके निबंध को रियल बनाते हैं, व्यवहारिक बनाते हैं, कि हाँ आपने एक बहुत अच्छे से आप अपने शब्दों को व्यवहारिक स्तर पर भी जो है यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, फिर उन्होंने बहुत सारी आपदाएँ बता दी कि किस तरीके से ये आपदाएँ आ रही हैं, शहरी बाढ़ हो गई, ठीक है, या फिर समुद्री जल स्तर का बढ़ना हो गया, तो वो है। जैसे अब हीट वेव का मैंने आपको ऊपर बताया, तो हीट वेव यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो ये जो कीवर्ड्स हैं ना, ये बहुत इम्पैक्टफुल होते हैं और आपको नंबर बढ़ाने में बहुत काम में आते हैं, ठीक है। ये फिर उन्होंने लिखा है कि कारण की बात करें तो आप पाएंगे कि औद्योगिकरण एक कारण हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का उत्सर्जन हो गया, बायनों में जो CO निकलती है या CH4 निकलती है वो हो गया, ठीक है। इसके बाद आप जो है ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह का भी यहाँ पे मेंशन किया जा सकता है, ठीक है, जो कि किया हुआ है इन्होंने, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का किया हुआ है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। इसके बाद इसके जो प्रभाव हैं, ठीक है, वो इन्होंने बता दिए यहाँ पे। आप पैरा देखेंगे ना, तो पैरा बहुत छोटे छोटे हैं, कई लोग क्या करते हैं कि 8-10 लाइन का एक पैरा लिखते हैं, वो मत लिखिए, पैरा हरदम छोटे छोटे लिखिए, ठीक है। फिर इसके बाद जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विश्व के देशों ने जो कदम उठाए हैं वो इन्होंने लिखा है, ये UFCCC हो गया, UNCCD हो गया, UNCVD हो गया, ठीक है, तो ये सारे हो गया, है ना। इसके बाद ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए जो कदम उठाए हैं, इसके बाद इन्होंने पृथ्वी सम्मेलन हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, नगोया हो गया। आप देखेंगे ना कि प्रॉपर तरीके से लैंग्वेज दी हुई है, भाषा का बहुत काम है निबंध में, तो इसको लैंग्वेज देकर प्रॉपर तरीके से निबंध लिखा हुआ है, ठीक है, उसी निबंध में जो भी कीवर्ड्स आए हैं उसको अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है इन्होंने पेरिस सम्मेलन का भी लिख दिया है, ठीक है, जो इसका उद्देश्य था वो इन्होंने लिख दिया है कि क्या क्या उसका उद्देश्य था, ठीक है। फिर इन्होंने प्रॉपर डेटा लिखे हुए हैं, जो डेटा है, ठीक है, सही कदम उठाने होंगे जिससे जलवायु परिवर्तन मानव सभ्यता के लिए हानिकारक ना हो। फिर उन्होंने COP26 का जो है मेंशन कर दिया यहाँ पे। तो इस तरीके से निबंध आप देखेंगे कि जो है एक प्रॉपर वे में लिखा हुआ ये निबंध, ठीक है। हमें प्राकृतिक संसाधनों का सतत रूप से उपयोग करना होगा, सतत विकास वगैरह का इसमें मेंशन किया जा सकता है, इन्होंने किया भी है, नवीकरणीय संसाधनों का भी
मेंशन किया हुआ है, अनवीकरणीय संसाधनों पर निर्भरता जो है वो कम करनी चाहिए, ये भी मेंशन किया हुआ है। तो इस तरीके से आप देखेंगे, जैसे कि अभी ये है ग्रेटा थुनबर्ग का मेंशन किया हुआ है, ठीक है। आप इसमें और भी कई सारे ऐसे जैसे चिपको आंदोलन से संबंधित जो रहे हैं, ठीक है, उनका भी मेंशन कर सकते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन का भी मेंशन कर सकते हैं। अभी जो आपका हैदराबाद में जो आंदोलन हुआ था उससे संबंधित जो लोग हैं उनका भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, चिपको आंदोलन हो गया, एपिको आंदोलन हो गया, इनको मेंशन किया जा सकता है, जो कि आपके जलवायु परिवर्तन के निबंध को काफ़ी इम्पैक्टफुल बनाएगा, ठीक है। और ये नंबर देने में काफ़ी सहायक होता है, आपके जो कीवर्ड्स होते हैं, आपका जो डेटा होता है, ठीक है, वो काफ़ी सहायक होता है। तो ये हो गया, ठीक है, ये जलवायु परिवर्तन के ऊपर निबंध आया हुआ था। इसके बाद श्रीलंका संकट और भारत के ऊपर एक ऐसे के ऊपर टॉपिक था, ठीक है, वो भी इन्होंने लिखा हुआ है। तो इसमें इन्होंने वर्तमान में करंट से जो है शुरू किया, ठीक है, कि श्रीलंका की जो परिस्थितियाँ हैं वो सभी लोग वाकिफ़ हैं, ठीक है, आर्थिक संकट से जो है वो गुजर रहा है। ये देखो आपके पेपर में तीन निबंध आते हैं, ठीक है, और तीनों निबंध को आपको कोशिश करनी है कि उनकी जो भूमिका हो वो आपकी प्रॉपर तरीके से अलग अलग हो, ठीक है। ये नहीं करना है कि आपने तीनों निबंध दोहे से स्टार्ट कर दिए, तीनों निबंध कहानी से स्टार्ट कर दिए, तीनों निबंध आपने मतलब एक मतलब मोनोटोनस हो जाएगा, वो एक ही तरीके से अगर शुरुआत करेंगे तो उतना प्रभावी नहीं लगेगा। आपको कोशिश करनी है एक निबंध आपका कोई श्लोक से शुरुआत हो, दूसरे निबंध की आपकी कोई दोहा कविता कहानी से स्टार्टिंग हो, तीसरा निबंध कोई रोचक तथ्य अगर है आपके पास, कोई ऐसा फैक्ट है जो बहुत ही मतलब आश्चर्यचकित करता हो, किसी व्यक्ति का स्टेटमेंट है, ठीक है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के ऊपर मान लो निबंध आ जाए, या 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के ऊपर निबंध आ जाए, तो आप डाल सकते हैं कि जो अभी मान लो यूपी में जो समिट हुई है, ठीक है, उस समिट में किसी व्यक्ति ने, या मान लो मोदी जी ने या योगी जी ने, और उनके द्वारा कोई स्टेटमेंट कहा गया 1 ट्रिलियन इकोनॉमी यूपी को लेकर या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इंडिया को लेकर, तो उसका स्टेटमेंट आप उनका जो स्टेटमेंट है वो उसका प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं इंट्रो में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इंट्रो की स्टार्टिंग करनी होगी। तो ये इन्होंने फिर ये निबंध जो है लिखा हुआ है कि किस तरह के संकट से जो है श्रीलंका जूझ रहा है, ठीक है, और फिर इतनी समस्या कैसे आई, है ना, ये इन्होंने लिखा है। फिर आपने कहावत सुनी होगी, उतने ही पैर पसारने चाहिए जितनी लंबी चादर हो, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने बताया है कि श्रीलंका की जो नीतियाँ थी उनकी वजह से ही श्रीलंका में जो संकट है वो पैदा हुआ है, और इसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर COVID-19 हो गया, ठीक है, या फिर जो वो लगातार ऋण में फंसता जा रहा है उसके ऊपर भी इन्होंने इसके ऊपर चर्चा की हुई है। तो देखो ये कंटेंट तो अपने ऊपर है, इन्होंने जो कंटेंट लिखा है हो सकता है आप इसका सेम कंटेंट ना लिखें, ठीक है, लेकिन आपको प्रेजेंटेशन के लेवल पे, कीवर्ड्स के लेवल पे, ठीक है, आपको डेटा के लेवल पे, आपको डायग्राम फ्लोचार्ट के लेवल पे एकदम सेम काम करना होगा, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि सेम टॉपिक के ऊपर निबंध आपको भी अवेलेबल हो वो, ठीक है, आपके भी सेम टॉपिक पे निबंध है, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये काम आपको ज़रूर करना होगा। तो इस तरीके से इन्होंने फिर श्रीलंका के ऊपर जो है बताया है कि चीन द्वारा चला जा रहे जो प्रोजेक्ट हैं, है ना, वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, ठीक है, और इन्होंने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से निबंध लिखा हुआ है, हर एक पैरा में अलग अलग चीज़ के ऊपर चर्चा की हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप निबंध लिखेंगे तो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा और इसमें नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे आपको, ठीक है। फिर इन्होंने ये बता दिया कि भारत के द्वारा जो है पड़ोसी होने के नाते जो है क्या क्या सहायता की जानी चाहिए, क्या क्या सहायता की गई है, उस तरीके से इन्होंने ये बता दिया है। हम यहाँ पे बात करेंगे कि आपको निबंध लिखते टाइम पे कौन कौन सी चीज़ें जो है ध्यान रखनी है, ठीक है। तो निबंध लिखते टाइम पे आपको ध्यान ही रखना है कि निबंध का जो इंट्रो हो वो तीनों का अलग अलग हो, ठीक है, नंबर वन ये। नंबर टू ये हो कि जो निबंध की जो मेन बॉडी हो, ठीक है, जो मुख्य भाग हो उसका पैराग्राफ जो हो वो छोटे छोटे हो, 6 लाइन का 7 लाइन का 5 लाइन का इतना ही पैराग्राफ हो, इससे बड़ा ना हो, ठीक है। इसके बाद जो है हमें ध्यान रखना है, प्रॉपर आपने डेटा लिखा हो, प्रॉपर आपने एग्जांपल्स लिखे हो, ठीक है, प्रॉपर आपने जो है तरीके से स्टेटमेंट वगैरह हो उनका यूज किया हो, ठीक है। इसके बाद देखो जब भी आपको निबंध लिखना हो तो पहले से आप एक अच्छे तरीके से उसका एक वो तैयार कर लीजिए, जैसे मान लो आपको कोई भी वो करना है ऐसे लिखना है तो उसकी जो है रूपरेखा पहले से तैयार कर लीजिए,
ठीक है, एक स्ट्रक्चर बना लीजिए। जैसे आपको 500 शब्दों में निबंध लिखना है या 700 शब्दों में निबंध लिखना है, ठीक है, तो 700 शब्दों के लिए कम से कम जो है आपके पास 150 से 200 शब्दों की रूपरेखा हो। इंट्रो और कंक्लूजन आप पहले ही याद कर लीजिए, क्योंकि देखो टॉपिक एक्चुअली बार बार रिपीट होते हैं। जैसे संस्कृति का टॉपिक है, बार बार आता है, जलवायु परिवर्तन का टॉपिक है, बार बार आता है, आपदा का टॉपिक बार बार आता है। तो ये जो टॉपिक्स हैं इनको जो है आप लोग रिवाइज कर लीजिए, और इनके जो इंट्रो हैं, ठीक है, इनका जो कंक्लूजन है वो आप लोग याद करके रख लीजिए। अगर वहाँ पर आप इंट्रो और कंक्लूजन बनाएंगे ना तो आपको तुरंत में याद नहीं आएगा, और उसकी लैंग्वेज भी जो रहेगी ना वो उतनी प्रभावशाली नहीं रहेगी अगर आप वहाँ बैठ के बनाएंगे। या तो आपकी आंसर राइटिंग बहुत अल्टीमेट लेवल की हो, ठीक है, एकदम अच्छे लेवल पे आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप वहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग नहीं की है, बहुत ज़्यादा निबंध नहीं लिखे हैं, तो कोशिश करिए कि इंट्रो और कंक्लूजन हम पहले से ही घर से बना के चलें, ठीक है, और चलेंगे तो बहुत लाभदायक ही होगा आपके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इसको निबंध को आपको लिखना है। आगे चल के हम लोग निबंध के ऊपर और भी चर्चा करेंगे, ठीक है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, और साथ में हम और भी कई सारे टॉपर्स की कॉपियाँ आगे चल के चर्चा करेंगे। हिंदी की कॉपी देखेंगे, यूपी स्पेशल की देखेंगे, ठीक है, इसके अलावा जीएस की सभी टॉपिक की कॉपियाँ देखेंगे, ठीक है, और बाकी